राजस्थान के कोटा जिले के कुन्हाड़ी थाना इलाके में लक्ष्मण विहार स्थित एक हॉस्टल में आग लगने के मामले में नगर निगम ने एक्शन लेते हुए हॉस्टल को सीज कर दिया है। बता दें कि रविवार को शहर के कुन्हाड़ी थाना इलाके के हॉस्टल में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से कुछ कोचिंग स्टूडेंट्स झुलस गए हैं। वहीं आग से बचने के लिए कुछ छात्र हॉस्टल की तीसरी और चौथी मंजिल से नीचे कूद गए, जिससे वो घायल भी हुए हैं। इस मामले में सिटी एसपी डॉक्टर अमृता दोहन ने सख्त एक्शन लेकर FSL टीम को मौके पर बुलाया और हॉस्टल से जांच पड़ताल के तथ्य एकत्रित करवाए हैं। दूसरी तरफ नगर निगम के अग्निमिशन अनुभाग ने भी इस हॉस्टल पर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं एसपी डॉक्टर डोहन का कहना है कि हादसे में जनहानि भी हो सकती थी, ऐसे में मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कोटा से महेंद्र मीना की रिपोर्ट। सुबह 6:25 पर पुलिस नियंत्रण कक्ष और हमारे सूचना प्राप्त हुई थी कि लक्ष्मण विहार स्थित एक हॉस्टल में आग लगी। आग सूचना प्राप्त होते सब्जी मंडी अग्निशमन केंद्र से सिन्हापुर से भावनाशा मंडी रानपुर सभी हमारे गाड़ी पहली गाड़ी आई तो बताया कि आग बहुत ज़्यादा बच्चे फटे हुए। सूचना प्राप्त होते मेरे को यहाँ मौके पहुँचा और सभी फायर ऑफिसर अधिकतर फायर ऑफिसर साइड पर आए और यहाँ आगे देखा तो हमने हमारे आने के पहले एक बच्चे ने किया था उसके पैसे हमने यहाँ लेडर की सहायता से फायर बैटिंग करके ग्राउंड फ्लोर पर आग लगी थी। उसको एक्सटिंग्विश करने के बाद जब स्मोक कम हुआ तो हमने जो मेन स्टेज है वहीं से उनको निकाल लिया, एक्सटिंग्विश के निकाल लिया। इसके बाद बच्चे थे सभी को हमने बाहर निकाल दिया। चार पांच बच्चे दम घुटने से हुए जो हॉस्पिटलाइज हुए वो भी आउट ऑफ डेंजर है और जो कि मामूली बड़ी है वो भी आउट ऑफ डेंजर है। उसके बाद हमने यहाँ देखा तो उसने फायर की नहीं ले रखी थी ना कोई फायर के उपकरण है। उसके बाद हमने सक्षम स्वीकृति लेके आज इसको आधा जल्दी जल्दी लगभग सीज कर दिया।